तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। डेमन पैलेस मान को तैयार थी, मराने का लाने का मूड नहीं था, लेकिन मजबूरन आना ही पड़ेगा, मतलब ले लेती है वो भी सामने इसके। थैंक यू यार, मुझे लगा था मरानी आपने एक बार जो वादा किया ना वादा निभाओगी। मरानी कहती है ले 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 मेरी प्यारी बेटी, तुझे इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, तीन कंडीशन यहाँ पे तूने अगर तीन कंडीशन यहाँ पे पूरी की ना तभी जाके आई ना तू आएगी तो मेरे पति के पीछे यहाँ पे रहेगी। अच्छा ठीक है, अपनी पति देने को तैयार हूँ, बस एक टाइम सुबह को ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ ही स्पेंड करेगा टाइम, दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे ये मेरे साथ यहाँ पर रहेगा। और रही बात सोने की बात, हाँ तो भाई रात में मेरे साथ ही सोएगा, तेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल भी सोएगा नहीं, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन ये कि भाई तू मेरी मदद यहाँ पे करेगी, मेरे साथ फड़ करके लड़ाई वड़ाई के लिए, मेरा जो पावर है ना पावर इंप्रूव करवाने के लिए, समझ गई। भाई दोनों एक दूसरे के एकदम पास थे, इनका होठ इनका नाक कान सब पास में थे, शर्मा के दोनों दुड़ जाते हैं और कहते कहा तुम हरानी है कोई भी कंडीशन यहाँ पे रखेगी और ये वो कर देगी, ना ना बिल्कुल भी ना, पहली कंडीशन मान ली, तीसरी कंडीशन मान ली, दूसरी कंडीशन कि भाई तेरे साथ खाली सोएगा, ना 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 भाई तीनों साथ में सोएंगे। और ऐसे उनके बीच में फिर से झगड़ा चालू हो जाता है, जो देखते ही इन तीनों को हंसी आ जाती है और आई डोंट नो कहीं को हंसी आ रही है। और सामने से जो बाप था ना वो प्रिंस से कहते उफ प्रिंस भाई पूरे देश के लिए पूरी दुनिया की भलाई के लिए आपको तो बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस देनी पड़ रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे होता ना मेरे तो अरमान टटना जाते हैं, लेकिन आप तो वैसे के वैसे खड़े हो, लगता है कि आपका ही खड़ा नहीं होता। प्रिंस भी कहता है साले क्या बोल रहा है भाई मेरा इतना होता है ना, अरे बकवास बंद कर यार। सामने से वो तीनों डेमन भी कहती कि अरे यार मतलब ये हम लोग क्या करने यहाँ पर आए थे, और जब से टीएन को हमारी मरानी ने देखा ना तो एकदम पगला गई है, क्या से क्या हो जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है और दोनों और इसके बाद यहाँ पे रात का सीन शिप होता है, और जैसा कि भाई उसने कहा था कि भाई तीनों साथ में सोएंगे तो इटली तीनों साथ में ही सोए थे, प्रिंस यहाँ पे बीच में था। ऐसा कहते कहते जैसे जैसे रात यहाँ पे गुजरती है ना वो दोनों टीएन के और ज़्यादा पास आते हो, जितना ज़्यादा वो दोनों पास आते ना टीएन बेचारा बीच में पिस्ता बनते जाता, उसका दिमाग का देखिए भाई अरे नहीं यार मेरा चटनी बन जाएगा, निकलो यहाँ से, तो उनके दोनों के अंदर से निकल जाता है और निकल के बाहर निकल जाता है, मतलब बाहर चला जाता है घर के बाहर, और ये दोनों आपस में आके चिपक जाती है, अब आपस से साथ में चिपक के सोने लग जाती है। दूसरी ओर अपना टीएन निकला था, कहता है सुबह हो चुकी है नाश्ता करने का टाइम आ गया, जुओ के बाप को बुला के लाऊं क्या, नहीं यार वो नाराज हो जाता है, आज खुद जुओ के घर के हमें जुओ के बाप के घर पे जाता हूं। तो जैसे बाप के घर पे जाता है जुओ की माँ यानी जेना जोंग भी सामने खाना खा रही थी और कहती कि वो यार प्रिंस रोज की तरह आज भी मुठा के यहाँ पर आ गए, ये कहते क्या करे आपके यहाँ खाना अच्छा बनता है, और ये क्या बात हुई भाई इतना बड़ा मोमोस यहाँ पे कौन बनाता है, लेकिन ठीक ही है भाई, लेकिन भाई डेमोन से तो छोटे ही है, यहाँ तक कि महारानी से भी छोटे ही है। सामने से वो भी कहता है जुओ का बाप कह रहे अरे मेरी वाइफ यहाँ पे ठीक है, इतनी डबल मीनिंग बातें काय को करते हो, वो कहता हाँ बेटे अब बड़ा डबल मीनिंग बातें लग रहा है, कल मेरा मजाक उड़ाते भाई मेरा खड़ा नहीं होता, आज मेरी बातें तुझे डबल मीनिंग लग रही है, वाओ। उतने में पीछे से एक सोल्जर एक नौकर आता है, ये कहते हुए जेना जोंग एक बहुत ही बड़ा खबर यहाँ पर आया है, तो ये भी जाती है खबर यहाँ पे सुनती है, ये भी छोड़ जाती है बाहर जाने को तैयार थी। तो पीछे से यहाँ पे उसका पति जेना जोंग का पति कहते कह रहे अरे भगवान क्या हुआ भाई कहाँ तुम यहाँ पे जा रही हो, तो ये बताती मेरे पास अभी अभी खबर यहाँ पर आई, जो टीएनजी पेविलियन ने किसी ने उसको बात कर दिया है, वहां पे कोई मैसेज भी यहाँ पे छोड़ा था, और जो हैंडराइटिंग ने एक्जेक्टली जो हेड यहाँ पर है ना मिस्टीरियस बंदा उसके साथ मैच यहाँ पे खा रहे, यानी इसी हेड ने पक्का भाई बैंड बजाई होगी। जो सुनते पीछे से ये भी कहता ओ बस इतू सी बात, जो सुनते ना जेने जोंग यहाँ पे कंफ्यूज की भाई इतू सी बात, जब जब मैं हेड के बारे में बात यहाँ पे करती हूँ ना मेरी पति का मेरी बेटी का ऐसा रिएक्शन निकालता है ना जैसे कि भाई लोग पर्सनली हेड को जानते कि अपने तो बंधु है यार, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सामने से कहती हाँ ये जो हेड है ना बड़ा मिस्टीरियस बंदा, कौन है कहाँ से है कितना पावरफुल है कुछ नहीं मालूम, और हमारे डेनेस्टी में उंगली बार बार यहाँ पे किए जा रहा है, हो सकता है कि ये कोई बड़ा हरामजादा कुत्ते का पट्टा चोरो जो हमारे पीठ पीछे हमको खच्चू मार के खत्म करना चाहे। तो जो सुनते उसका पति उसका मुंह शांत करते कह रहे अरे अरे ऐसा मत बोलो, हाँ ये बहुत ही बड़ी खबर है तुमको जाकर ना जल्दी से मरानी को सुनाना पड़ा कहीं गड़बड़ यहाँ पे ना हो जाए। तो वो भी कहती है हाँ मेरे बाबू मैं जा रही हूँ बहुत जल्दी आऊंगी, ये लीजिए गुड बाय किसी, इतना बोल के निकल जाती है। जुओ के बाप ने इसलिए भगा दिया कि भाई वो प्रिंस को गाली दी जा रही थी, वो हेड को गाली दे रही थी, इसको नहीं मालूम कि भाई हेड और प्रिंस है, तो यही सोचता है मैंने भगा दिया, दो चार गाली और दे देती ना प्रिंस सारी गाली सुन लेते और आई डोंट नो फिर कितना गुस्सा करते। इसलिए प्रिंस के पास आता हूं कहता कि आपने दो चार गालियां सुन ली ना, मैंने बाकी गाली देने से रोक दिया लेकिन दो चार के लिए सॉरी, ये कहता कोई सॉरी की बात नहीं भाई छोटी छोटी बात में मैं बुरा नहीं मानता हूं। तो इनका दिमाग का दही होता है ये दोनों बाप बेटे कि नहीं मानते हम, तो भाई ये बोल के जाते हो टीएनजी पेविलियन को हम छोड़ देंगे मारेंगे नहीं, लेकिन एंड में मार के आते हो तो हमको तो विश्वास नहीं होता इनके ऊपर। ये दोनों बाप बेटे ये भी पूछते हैं लेकिन ये जो बात है ना टीएनजी पेविलियन की बर्बादी की जैसे दिए दिए और ज्यादा
ज्यादा फैलेगा। जो बाकी लोग जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो भी इनके साथ यहाँ पे मिला हुआ है, हाँ तो उसको जैसे मालूम चलेगा वो तो और भी ज्यादा बौखला जाएगा। क्या करोगे, ये कह तो कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अभी के लिए मेरी वाली जो महारानी और साथ ही डेमन महारानी है ना उनको टीम अप करने दो, साथ में दोस्ती करने दो, साथ में स्ट्रॉन्ग बनने दो। ये दोनों एक बार अगर हाथ मिला लेंगे ना तो बड़े से बड़े दुश्मन हमारे ऊपर टिक नहीं पाएगा। प्लस ये दोनों मेरी औरतें जो ठहरी है उन्होंने मेरा ध्यान रखा, इनको कुछ हो जाएगा तो भाई मेरा ध्यान यहाँ पे कौन रखेगा। उतने में जो जेनरल जोंग यहाँ पे थी ना वो भागते भागते यहाँ पे वापस आती है, तो सामने से जुओ कबाबी कन्फ्यूज कह रहे मेरी वागवान तू यहाँ पे फटाक से आ गई, अपना काम कर ली। ये कहती मैंने नहीं किया। अरे सुनो यार प्लीज, मेरे पास एक बैड न्यूज है जो अगर आपको सुनाई मिलेगा ना तो भाई आप एकदम सदमे में आ जाओगे, इसलिए भाई संभाल के। ये कहते बोलो भाई क्या है। जो सुनते जेनरल जोंग बताती है कि अरे मालूम मैंने क्या देखा, जैसे मैं गई महारानी और एक पलपल वाल वाली औरत यहाँ पे थी, उन दोनों ने भाई आपस में किस किया, हाँ लिप टू लिप यहाँ पे किस किया। जो सुंदर टियन का भी दिमाग कदा है, अरे यार किस किया, व्हाट द फक। सामने से लियू कहते अरे नहीं जेनरल जोंग भाई आपको पक्का मिस अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपने कुछ और देखा और आपको कुछ और लगा। ये कहते क्या मतलब, नहीं नहीं जो मैंने देखा वो मैंने सामने से बताया, मैं जैसे गई ना दोनों हग ऐसा कर रहे थे और बाद में एकदम पूरी तरह से खींच कर एकदम सीधा लिप टू लिप यहाँ पे किस कर लिया। सामने से प्रिंस का देख सकते वो दोनों फाइट कर रहे थे क्या। लियू कहती यार अब मैं यहाँ पे समझ गई, अब मैं सारी बातें समझ गई, महारानी और ये जो दूसरी वाली है ना ये इन दोनों के बीच में उतने अच्छे से जमती नहीं है। वो लोग जैसे यहाँ पे उठे उन्हें उठते एक दूसरे पे गुस्सा यहाँ पे करते, तुम्हें इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे क्या हुआ होगा। जैसे दोनों उठे होंगे ना एक दूसरे के ऊपर गुस्सा यहाँ पे किए होंगे। सबसे पहले हमारी महारानी ने चिल्ला होगा लेकिन छिनाल की बच्ची, उस इतना बोल के ना उसके अरमानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी होगी। तो भाई उसे डेमोन ने भी उसको पकड़ के अपनी वैसे खींचा होगा, तो गलती से दोनों को जो लीप ना आपस में टकरा गया होगा। फिर महारानी को आगे गुस्सा की साली भाई तूने जानबूझ के मुझे किस किया ना, मेरा किस यहाँ पे वापस कर दे, इतना बोल के ना ये फिर से यहाँ पे किस कर देती होगी। फिर सामने से डेमोन को भी गुस्सा आता होगा और उसके गाल पे काट देती होगी महारानी के, महारानी को डबल गुस्सा, वो भी कहेगी कि हाँ भाई मैं अपन तेरे गाल पे काट दूंगी। हाँ तो उनके बीच में ऐसा फाइट यहाँ पे हो रहा था, लेकिन भाई जेनरल जोंग ने दूर से देखा, उनको लगा भाई प्यार करते हैं लेस्बियन ही और किसी नहीं यार, हाँ इनको ऐसी गलत फैमिली हुई होगी। तो सामने सुजुओ का बाप भी कहता है कि अरे यार ये महारानी को भी आई डोंट नो एकदम बच्ची जैसा बर्ताव यहाँ पे करने लगी। चलो ठीक ही यार, मतलब एक दोस्त मिल जाएगा दोस्त के साथ थोड़ा बहुत बचकांड हो जाएगा तो मजा ही, आपको तो मालूम होगा प्रिंस। ये कहता है दोस्त अरे नहीं यार मेरे जो भाई अडॉप्टिव फादर यहाँ पे थे, मतलब जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था यार मेरे, अरे कोई गोद लिए बाप यहाँ पे मान लो, उन्होंने भाई मेरे सारे दोस्तों को मेरे ही हाथों से यहाँ पे मरवा डाला। जो सुनती है सबके सब यहाँ पे हिले के हिले रह जाते कि अरे बाप रे, 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 क्या मतलब अब कहने का यार आपके अब्बा जान ने ऐसा क्यों किया था। ये कहता है कि अरे मैं किलर यहाँ पे था ना, तो मेरा अब्बा जान मुझे सिखाते थे किसी पर भरोसा मत करो, मुझे अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने मेरे दोस्तों से कहा कि जाओ भी जाके अटैक करो, तो सामने से उन्होंने अटैक कर दिया तो मैंने भी जान निकाल लिया। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था भाई मेरे अब्बा जान ने जानबूझ के भाई ना मुझसे मरवाया, लेकिन एंड में बात कुछ और यहाँ पे थी, वो लोग कुछ खास अच्छे थे भी नहीं। अगर उनको ऐसा कोई पैसा देकर मुझे मरवाने को भेज दिया जाता ना वो लोग मुझे मार डालते, मैं हमेशा अब्बा जान को ब्लेम करता कि हाँ भाई आपके चक्कर में मुझे अपने दोस्तों को मारना पड़ा, लेकिन अब जाके मुझे सच्चाई मालूम चला कि नहीं मेरे दोस्त ही थे कमीने। तो छोड़ो या जो हो गया सो हो गया, एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।